दोस्तों शान मसूद ने ठोके 7 गेंदों में 8 छक्के, बाबर ने तोड़ दिया युवराज सिंह का 6 छक्कों का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शान मसूद ने आज क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया, जहां पर शान मसूद ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी शान मसूद को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे 2020 मुकाबले में शान मसूद ने बल्ले से बहुत पारी खेली, जिसके बाद पूरी दुनिया उनकी बैटिंग की दीवानी हो गई। दरअसल मैच का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम ने बैक टू बैक 2 विकेट जल्द ही गंवा दिए, जिसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया स्पिन गेंद जंपा को 7 गेंदों पर 8 छक्के ठोककर 52 रन बना दिए। हालांकि इस दौरान जंपा ने 2 नो बॉल फेंके और एक वाइड बॉल फेंका, जिसमें 2 नो बॉल पर शान मसूद ने 2 लंबे छक्के जड़ दिए और इस तरह मसूद ने युवराज सिंह के 6 छक्कों वाला रिकॉर्ड भी आज 8 छक्के मारकर तोड़ डाला। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 215 रन बनाए, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरे कंगारू टीम ने शानदार शुरुआत करी, लेकिन 216 रनों जैसे बड़े स्कोर के दबाव में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 170 रन भी बना सकी और इस तरह पाकिस्तान टीम ने शान मसूद के 8 छक्कों की बदौलत मैच को एक तरफा तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों मसूद की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।